दोस्तों, अनानास एक खट्टा मीठा और रसीला फल है। अनानास को पाइनएप्पल के नाम से भी जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम अनानास कोसस है। अनानास को सेहत के लिए बहुत गुणकारी माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन सी और कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अनानास को औषधीय गुणों का खान कहा जाता है। अनानास में पाए जाने वाला पोषक तत्व शरीर को कई समस्याओं से दूर रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इस फल को खाने के कई नुकसान भी है, इसलिए इसका अधिक मात्रा में सेवन ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको अनानास खाने के 25 फायदे के बारे में बताते हैं। नंबर 1, गर्मियों में अनानास का रस या शरबत पीने से तेज गर्मी या पसीने की समस्या दूर होती है। नंबर 2, ताजे अनानास को 100 ग्राम रस बच्चे को पिलाने से उसके कृमि या बारीक कीड़े नष्ट हो जाते हैं, और यह ध्यान रहे कि अनानास का रस खाली पेट में नहीं पिलाना चाहिए। नंबर 3, अनानास को छीलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खाने से पीत विकार दूर होते हैं। नंबर 4, यदि आपको गर्मी में डायरिया या पेट दर्द की समस्या परेशान करती है तो आप अनानास का जूस पी सकते हैं। यह पाचन प्रणाली को बूस्ट करता है। कब्ज की समस्या से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। एक गिलास अनानास का जूस पीने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, साथ ही ब्लोटिंग, कब्ज से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 5, शरीर पर सूजन हो जाने की स्थिति में अनानास लाभ देता है। नंबर 6, अनानास पर काली मिर्च और काले नमक का चूर्ण डालकर सेवन करने से बदहजमी की समस्या दूर होती है। नंबर 7, रोजाना 200 ग्राम अनानास का रस पीने से मोटापा कम होता है, क्योंकि अनानास का रस चर्बी को पिघलाकर निष्कासित करता है। नंबर 8, अनानास का रस गले तथा मुंह के जीवाणु जन्य रोगों में लाभकारी सिद्ध होता है। नंबर 9, अनानास के सेवन से पेशाब में रुकावट नहीं आती। नंबर 10, अनानास, जायफल, पीपल, काला नमक व जीरा सभी चीज़ें बराबर मात्रा में लेकर कूट पीस कर चूर्ण बना ले। 3 ग्राम चूर्ण जल के साथ सुबह शाम सेवन करने से बहुमूत्र की समस्या में बहुत लाभ होता है। नंबर 11, बुखार में भी अनानास के रस का सेवन करना चाहिए। नंबर 12, अजीर्ण के रोगी को अनानास का काली मिर्च का चूर्ण छिड़क कर सेंधा नमक डालकर सेवन करना चाहिए। नंबर 13, अनानास के शरबत को पीने से गर्मियों की गर्माहट दूर होती है। नंबर 14, विटामिन सी व अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के अभाव के कारण अस्कर्वी रोग होने पर अनानास खाने व रस पीने से बहुत लाभ होता है। नंबर 15, अनानास शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स और विटामिन के गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 16, यदि शरीर में खून की कमी हो तो अनानास का रस पीजिए, बहुत ही लाभ देगा। नंबर 17, अल्प मात्रा में ऋतुस्राव होने पर रोजाना अनानास का रस पीने से ऋतुस्राव उचित रूप में होने लगता है। नंबर 18, गर्मियों में हृदय की घबराहट बढ़ जाने व अधिक बेचैनी होने पर अनानास का रस या शरबत पीने से बहुत लाभ होता है। तेज प्यास भी शांत होता है। नंबर 19, अनानास का गूदा फोड़े फुंसियों पर लेप करने से बहुत फायदा होता है। नंबर 20, गले में सोथ होने पर टॉन्सिल होने की स्थिति में अनानास खाने से बहुत फायदा होता है। नंबर 21, अनानास प्यास को कम करने और शरीर को पुष्ट बनाने में मदद करता है। नंबर 22, अनानास से शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और साधारण ठंड से भी राहत मिलती है। नंबर 23, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें डाइट में अनानास का जूस जरूर शामिल करना चाहिए। हार्ट डिजीज या हृदय रोग के खतरों को कम कर सकते हैं। नंबर 24, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अनानास का जूस आंखों की समस्या को दूर करता है। बच्चों का इसका जूस जरूर पिलाएं, इससे इनकी आँखों की रोशनी कम उम्र में ही कमज़ोर नहीं पड़ेगी। और लास्ट है नंबर 25, त्वचा से संबंधित समस्याओं से परेशान है तो अनानास खाएं और इसका जूस पिएं। मुहासों के साथ इससे होने वाले दाग धब्बों को भी कम करता है। अनानास जूस में मौजूद पोषक तत्व स्किन से डेड सेल्स को कम करते हैं, जिससे त्वचा पर निखार आता है।
तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हमको ये पता चलता है कि आप वीडियो को कितना लाइक करते हैं, और अपना सजेशन सुझाव ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।